हरियाणा के चरखी दादरी में अनाज मंडी में कपास खरीदना होने भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक किसान अपनी कपास लेकर मंडी बेचने पहुंचे थे। इस दौरान मंडी परिसर में बोर्ड लगा मिला था जिसमें लिखा था 5 दिन के लिए कपास खरीद नहीं होगी, जिससे किसान आक्रोश में आ गए। गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राज्य सचिव रणवीर फौजी ने बताया कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने बताया कि 6 तारीख को टोकन दिए गए थे और फसल बेचने के लिए उनका नंबर था, लेकिन मंडी गेट पर एक बोर्ड लगा दिया कि कपास खरीद बंद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और किसानों की फसल खरीदी जाए। धरने का उद्देश्य है, जो किसान 6 तारीख को जिनको टोकन दिए गए थे वो टोकन उन्होंने बोला पहले 6 तारीख की बजाय 11 तारीख को लाना, 11 तारीख को जो लेके आए हैं उनको अभी आज इन्होंने बोर्ड लगा दिया, अभी आज से कपास की जो खरीद है वो 5 दिन के लिए बंद कर दी गई। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो ये सरकार लुका छिपी का जो किसान के साथ खेल खेल रही है, ये बड़ौदा चुनाव से जिनको पता लग गया अब क्या होने वाला है। किसान के ऊपर दोहरी मार हो रही है, ये गूंगी और बहरी सरकार है और यहाँ का जो CCI और जो मार्केट कमेटी के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी मिली भगत से किसान का शोषण हो रहा है। तो घंटा उस दिन आने के बाद ये 11 तारीख दी और 11 को आने के बाद आज फिर बंद बताया गया है। इसका किराया कौन देगा ट्रैक्टर का? देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।